श्री राम की नगरी अयोध्या से आप देख रहे हैं हमारी ये खास कवरेज और मैं हूँ आपके साथ शीतल राजपूत। राम जन्मभूमि को लेकर अदालत की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले की वो घड़ी नज़दीक है जिसका सालों, दशकों, सदियों से हजारों, लाखों, करोड़ों देशवासियों को इंतज़ार रहा है। इतिहास के इस बेहद नाजुक और अहम पड़ाव की चौखट पर खड़े हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी अयोध्या की। जब जब प्राचीन भारत के तीर्थों का जिक्र होता है अयोध्या का नाम सबसे ऊपर आता है। पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या को कौशल देश भी कहा जाता था। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका, मतलब अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन और द्वारिका, ये सात मोक्षदायी हैं। ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, देख भई मैं संत भरे जह गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। इस नाव से सरयू किनारे बसी अयोध्या नगरी की अनूठी छटा को घंटों पहरों निहारा जा सकता है। वही अयोध्या नगरी जहां हजारों हजार साल पहले त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज किया करते थे, जहां सुख समृद्धि ऐश्वर्य की बयार बहा करती थी, जहां न्याय प्रेम और सद्भाव की मिसालें गढ़ी जाती थीं। बीते 500 साल में सरयू नदी में न जाने कितना पानी बह गया। रामचरितमानस में लिखा है कि इसी सरयू नदी के किनारे बसे इसी अयोध्या में जन्मे थे श्री राम। लेकिन कलयुग में प्रभु राम के जन्म स्थान को लेकर ही विवाद हो गया और फिर राजनीति के केंद्र में आ गया अयोध्या। यूं तो विवाद 15वीं सदी से चला आ रहा है, लेकिन 1813 में पहली बार ये मामला प्रमुखता से उठाया गया, जब हिंदू संगठनों ने दावा किया कि साल 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। विवाद बढ़ा, हिंसा हुई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ बनवाई। अयोध्या विवाद पहली बार 1885 में कोर्ट में पहुंचा। निर्मोही अखाड़ा 134 साल और सुन्नी वक्फ बोर्ड 58 साल से जमीन पर मालिकाना हक मांग रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 के अपने फैसले में विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और अब 8 साल बाद अयोध्या विवाद में फैसले की घड़ी आ गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। श्री राम जन्मभूमि विवाद की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल से भी पहले हो गई थी। 1990 के दशक में इसने बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं, यहां से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर है तकरीबन 3 एकड़ की वो जमीन जिसने सदियों विश्वास और आस्था की कश्मकश देखी है। वहाँ श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन कैमरा ले जाने की मनाही है।
फैसले की चौखट पर है अयोध्या। राम की नगरी में राम भक्तों को शुभ समाचार का इंतजार है। क्या चल रहा है अयोध्या वासियों के मन में, टटोलने की हमने कोशिश की। राम जन्मभूमि से थोड़ी ही दूरी पर ये कुछ लोग हैं जो यहाँ कई सालों दशकों से दुकानें चलाते हैं, और कुछ लोग जो यहाँ श्रद्धालु हैं, दर्शन के लिए आए हैं। राम मंदिर तारीख पूरी हो गई है, और राम मंदिर 18 नवंबर को जो तारीख आएगा वो राम मंदिर के फैसले में आएगा, और राम मंदिर बनना तय है। ऐसा कैसे आपको लगता है? जिस तरह सुनवाई हुआ उसके बाद यहाँ पे फोर्स वगैरह भी है, जिस तरह व्यवस्था हो रहा है देख रहे हम लोग, उस तरह लग रहा है कि राम मंदिर ही बनेगा और उसी के 5वें तारीख आएगी। आप कब से यहाँ पर दुकान चला? हम 12-15 साल से, 15 साल। और आंदोलन लंबा चला है? जी 25 साल हो गया जी। आपको क्या लगता? हमको पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर यहाँ निश्चित बनेगा, और आस्था रखते हैं हम लोग की भगवान में, और भगवान यहाँ हैं, और राम मंदिर बनना तय है। अयोध्या वासी हैं? नहीं, हम अयोध्या वासी नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, पूर्वी चंपारण जिला से आए हैं। हम लोग हर माह आते हैं, और हमारी श्रद्धा रहती है कि हम हर माह यहाँ आवें और भगवान से मिलें, दर्शन करें उनका। हर माह आप यहाँ आते हैं रामलला के दर्शन? लगभग हर माह आते हैं हम यहाँ। कितने साल से आ रहे हैं? लगभग यही साल भर से। और कोई कहना चाहेगा? जी सर, हमको उम्मीद है कि 100% बनेगा, बनने की उम्मीद है और बनेगा, ये भी हम लोग संकल्प है, हमेशा हर माह आते हैं पूर्णिमा को। जय श्री राम। आप यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले। हम गोंडा जिला के रहने वाले हैं, रामकृष्ण। अच्छा, बगल में? हाँ, गोंडा जिला है, बलरामपुर के समीप में पड़ता है। जी जी मैडम जी, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है बता रहे हैं आएगा? हाँ बता रहे हैं, उसमें तो 100% राम मंदिर बनेगा, और इसमें हम भी दर्शन करने आए हैं, हम MP से हैं, और इसमें सख्त पूरी सब जन सुनवाई है कि राम मंदिर बनेगा और बनेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।